नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी भाई चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच है राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी पारिक, जो छापर से बिलोंग करते हैं और इनका गुरु कृपा नाम से इनका चैनल भी चलता है जो काफी लोकप्रिय है। और एक मैं आपको बताऊं, पिछले महीने मैंने जो वीडियो अपलोड किया था जिसमें अरविंद जी पारिक का आगामी जो अभी गहलोत साहब ने जो मतलब कहा है कि चेयरमैन का चुनाव कोई भी लड़ सकता है, जिसमें अरविंद जी पारिक का नाम सबसे आगे छापर में चल रहा है। छापर के अंदर बहुत चर्चा आपकी हो रही है अरविंद जी पारिक कि आप चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, चेयरमैन आप वाकई में चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं या केवल ये अफवाह चल रही है। पिछले आपने इंटरव्यू में कहा था कि चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा, कन्फर्म आप चेयरमैन का चुनाव लड़ोगे क्या? सबसे पहले तो हमारे मित्रों को ये बताइए बंटी भाई, हाल ही में गहलोत सरकार ने, दर्शकों को नमस्कार, सबसे पहले बहुत बहुत आभार आपका, बंटी भाई चैनल का आभार कि आपने मुझे दोबारा अवसर दिया चैनल पर आने का। जब गहलोत सरकार सबसे पहले बनी, उसके बाद एक घोषणा आई कि इस बार डायरेक्ट पालिका अध्यक्ष पद के लिए नगर पालिका चुनाव होंगे। उसी दिन बंटी भाई मैंने अपनी फेसबुक आईडी पर अपडेट डाली कि इस बार ताल छापर से पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। मैं 100% कहता हूं, 1000% कहता हूं, 1,00,000% कहता हूं, इस बार ताल छापर से पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ूंगा। एक अरविंद जी, मतलब ज्यादातर छापर के अंदर कई और आ रहे हैं जो ज्यादातर बातें कर रहे हैं, कई रोड के बारे में ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आज छापर के अंदर 12वीं तक स्कूल है, उसके बाद हमारी बच्चियों को छापर से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, आप हमारे छापर की नारी शक्ति के लिए क्या, आप चेयरमैन अगर बन जाओगे तो आप देखिए बंटी भाई, ताल छापर पाली तो निश्चित तौर पर यहाँ छात्र व छात्राओं के महाविद्यालय 100% लाऊंगा। किस सरकार से कैसे लाया जाता है वो मुझे गुरु आते हैं, 15 साल मैंने पत्रकारिता में दिए हैं और आपको बता दूं, जनता अगर आशीर्वाद देगी तो एक डिजिटलाइजेशन ताल छापर कस्बे का जो होता है वह करने के लिए प्रयासरत रहूंगा। और एक मेरा दूसरा प्रश्न यह है अरविंद जी, अभी जो चेयरमैन साहब है इन्हीं के शासनकाल के अंदर ये छापर देवानी रोड बंद हुई है, जो छापर सुजानगढ़ जाती है ये 2.5-3 किलोमीटर का ये रास्ता है, ये वन विभाग के कारण ये बंद हो गया, छापर का विकास रुक गया, हजारों छापर के युवा ने आंदोलन किया और यहाँ तक कि चेयरमैन साहब और वार्ड मेंबरों ने इस्तीफा देने तक हुई, लेकिन ये रोड चालू नहीं करा सके। अगर आप चेयरमैन बनोगे तो इस रोड के लिए क्या करोगे? अभी छापर की जनता के लिए यही मुद्दा है कि कोई भी चेयरमैन का नाम ले तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि ये रोड का क्या करोगे, ये रोड, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ छापर की जनता के द्वारा, कि आप चेयरमैन बने तो इस रोड के बारे में क्या करो। देखिए भाई, झूठे प्रलोभन देकर मुझे वोट नहीं बटोरने, आपको बता दूं, जनता अगर वोट देगी चुनाव में, अगर मुझे विजयश्री अगर दिलाएगी तो छापर पालिका अध्यक्ष के, ये जो आप बता रहे हैं सड़क बंद हो गई और चेयरमैन ने कुछ नहीं किया, तो ये बताऊं, क्योंकि पालिका अध्यक्ष का लेवल की यह सड़क का मामला नहीं है, ये संवैधानिक लड़ाई में लड़ूंगा अगर जनता मुझे वोट देगी तो। कानून क्या कहता है देश का, वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो क्या कहता है, उस सिरे से देखूंगा, उस नजर से देखूंगा और कानूनी जो भी लड़ाई होगी वो ताल छापर की जनता के लिए लड़ूंगा। एक अरविंद जी, चौथा प्रश्न मेरा ये है, काले हिरणों के कारण ये छापर की रोड बंद हो गई और छापर का विकास रुक गया, इन हिरणों के चलते हमारे किसान भाई फसलें उनकी बर्बाद हो जाती है, ऐसे अकाल पड़ता है यहाँ के रेगिस्तानी इलाकों के अंदर, अब हमारे किसान भाइयों के लिए क्या करोगे? किसान भाइयों का आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया बंटी भाई, दिल की बात छीन ली आपने, किसानों के लिए, किसानों की फसल अगर काले हिरण या चिंकारा जो हिरण है वो अगर नष्ट करते हैं तो उसके लिए मुआवजे की व्यवस्था सरकार से करवाएंगे, और मुआवजे की व्यवस्था ही नहीं, उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो उनके लिए तारबंदी बाड़बंदी जो भी व्यवस्था सरकारी स्तर पर उनको दिलाई जा सकती है उसके लिए अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि राजस्थान तो वह प्रदेश है जो पूरे भारत को अन्न के भंडार भरता है, इसलिए किसानों के लिए, उनके लिए बाड़बंदी की सरकारी स्तर पर क्या व्यवस्था की जा सकती है, उन किसानों को क्या कोई पेंशन की व्यवस्था की जा सकती है, हिरण अगर चरते हैं खाते हैं तो वो सरकारी एक उपक्रम होता है जिससे जांच करवाई जा सकती है और उन किसानों को राहत दिलाई जा सकती है।
और ये गर्मी जी ये बताइए कि आपका आपके दादाजी राजनीति में थे, आपके पिताजी राजनीति में थे और आप भी इस राजनीति की रेस के अंदर इसमें आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो आपका आपका पूरा हमारे दर्शकों को बताएंगे जो चर्चा कर रहे हैं विरासत की। विरासत भाई आपको बता दूंगी, जब पंचायतों का गठन हुआ उस समय से लेकर मरणोपरांत मेरे स्वर्गीय दादाजी सुरजाराम जी देराजश्री जो धनेरू के आसपास के 9 गांव की पंचायतों के 9 गांव के वो सरपंच बने, उसके बाद जब एक्सपायर हुए तब तक 22 साल लगातार वो गांव के मुखिया रहे। आपका एक पहला इंटरव्यू था उसमें भी मैंने उनका जिक्र किया था, वह हमारे आइडियल है पूरे परिवार के। उसके बाद 1994 में हम लोग ताल छापर आए, 95 में मेरे पिताजी और माँ ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। ताल छापर में जब सबसे पहला बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बना तो उसमें मेरे जीसा स्वर्गीय कपिल देव जी देराजश्री पालिका उपाध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए, वार्ड नंबर 17 से मां ने चुनाव जीता, पार्षद बने। और अरविंद जी मेरा पांचवा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि मतलब अभी राजस्थान के अंदर सरकार कांग्रेस की है, केंद्र में बीजेपी की है, अगर आप चेयरमैन का अगर चुनाव लड़ना चाहें तो सबसे पहले किस पार्टी को आप महत्व दोगे? देखिए बंटी भाई, मैंने कॉलेज छोड़ने के बाद कलकत्ता गया 3 साल के लिए, उसके बाद मैंने ये पत्रकारिता को अपना जीवन समर्पित किया, क्योंकि मैंने करीब 15 साल हो गए मुझे, 15 साल कॉलेज छोड़ा रहे, 13 साल मैंने पत्रकारिता को दिए हैं। दोनों पार्टियों में मैंने न पक्ष किया न विपक्ष किया, दोनों को एक दृष्टि से समान दृष्टि से हर एक राजनीतिक पार्टी को देखा। अब जो भी पार्टी जनता टिकट दिलाती है, जनता अगर पार्टी का बोलेगी तो पार्टी से लड़ लूंगा, जनता अगर बोलेगी आप निर्दलीय लड़े तो जनता का जो आशीर्वाद रहेगा उसमें ही मैं उतरूंगा, चुनाव लड़ूंगा, ये निश्चित है। और एक अरविंद जी आप बताइए कि आपके मार्गदर्शक कौन रहे अभी तक? मार्गदर्शक बंटी भाई अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग रहे, राजनीतिक क्षेत्र में जनता की सेवा के क्षेत्र में, सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में तो मेरे पिता स्वर्गीय कपिल देव जी देराजश्री, बाद जो तकनीकी शिक्षा है क्योंकि यूट्यूब पर मेरा एक चैनल मोनेटाइजेशन अभी हुआ है, उसमें मेरे श्रवण गुरु मेरे गुरुजी रहे, उनके मार्गदर्शन में मैं चला, उनके मार्गदर्शन में मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हुआ, उनके मार्गदर्शन में आगे के दिनों में भी वो चैनल चलता रहेगा। और एक अगला प्रश्न अरविंद जी कि आप छापर के अंदर इतने लोकप्रिय हैं और छापर से बाहर भी इतने लोकप्रिय हैं, राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका गुरु कृपा आपका जो चैनल है वो भी बहुत लोकप्रिय है, इंडिया से ज्यादा विदेशों में आपका चैनल चल रहा है, लोग देख रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कॉमेंट कर रहे हैं, और इस लोकप्रियता के आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे अरविंद जी? लोकप्रियता के पीछे बंटी आप भाई आपको शुरू से बताता हूँ कि देखिए ईश्वर की कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद मेरे पर शुरू से रहा है, क्योंकि मैंने अपनी आस्था पर विश्वास रखा है, कभी किसी की कृपा पर विश्वास ही नहीं रखा। जब मैं पात्र बना मुझे लगा कि मैं इतना आस्तिक हूँ इनके प्रति, मेरी आस्था है इनके प्रति, तो उसके बदले मुझे 1000 गुना आशीर्वाद मिला, उस आशीर्वाद की ताकत के बदौलत मैं आज हूँ। लोकप्रियता का अगर सवाल करें तो वो मुझे तो पता नहीं, आप कह रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, जनता का आभार है भैया। अगर एक अरविंद जी पिछला इंटरव्यू हमने आपका जो आप चेयरमैन की दौड़ के अंदर शामिल हुए, आपने अपना इंटरव्यू हमें हमारे चैनल को दिया, उसके बाद हमारे दर्शकों ने काफी कॉमेंट आपके बारे में किए, जिसमें उन्होंने सबसे पहला कॉमेंट किया कि आपका छापर के लिए एजेंडा क्या होगा, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए, कॉमेंट हमारे दर्शक आपको दिए हैं। ताल छापर के लिए एजेंडा बंटी भाई ये रहेगा कि ताल छापर को डिजिटलाइजेशन के रूप में विकसित करूंगा, बड़े शहर के रूप में विकसित करूंगा, यहाँ का ऐतिहासिक जो चीजें ताल छापर में है, चाहे वह गांधी सरोवर को ले लें, लाल कोठी को ले लें, या और भी अन्य महत्वपूर्ण स्थान है ताल छापर के, जिनको निश्चित तौर पर बड़े स्तर पर विकसित किया जा सकता है। काले हिरणों को देखने नहीं पर्यटक यहाँ के मंदिर, यहाँ की मस्जिद, यहाँ के जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको भी देखने आए, उस स्तर तक ले जाऊंगा ताल छापर को, कि मेरी मनसा है, मेरे स्वप्न है। अब जनता अगर आशीर्वाद देगी तो निश्चित तौर पर उनको फलीभूत भी। और एक बात बंटी भाई आपके चैनल के लिए बोलना चाहूंगा कि अगर किसी के जहन में इस प्रकार का सवाल होगी आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, आपका इस मुद्दे पर क्या एजेंडा है, तो वो मेरी विनम्र प्रार्थना दर्शकों से है कि आप बंटी भाई चैनल पर, मैं बार बार आता रहूंगा, आप इस पर कॉमेंट में आपके जो भी सवाल है वह आप निश्चित करें, खुलकर करें,
बिल्कुल निसंकोच आपका कोई भी अगर जेएन में सवाल हो तो आप इस इंटरव्यू के साक्षात लिखे, मैं उसका जवाब देने अगली बार फिर आपके एक एक का नाम लेकर कि आपका ये सवाल था इसका ये जवाब है, क्योंकि साक्षात्कार बंटी भाई बोल रहे हैं आपके मेरे पास बहुत सवाल है, बहुत सवाल है। तो बंटी भाई आपके सवालों में भी उन सवालों को और ऐड कर लीजिए, मैं 100% वो सकारात्मक या नकारात्मक जो आप होंगे आप कमेंट में खुल कर लिखें, ताल छापर के लिए क्या आप चाहते हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए, मैं बार बार जनता के बीच आऊँगा, बंटी भाई चैनल के माध्यम से आऊँगा। और एक निवेदन, आप इस चैनल पर जुड़ने के लिए ये जो नीचे जो आपको लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको भी आप दबा लें ताकि ये चैनल पर आप और हम रूबरू रोज हो पाए। कितनी बड़ी बात अरविंद जी पारिक ने हमारे दर्शकों को कही है, अगर हमारे फ्रेंड्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स पर आप अरविंद जी पारिक से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और इसी चैनल के माध्यम में उन सवालों का जवाब नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे। और अरविंद जी आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को दिया, हम आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। नेक्स्ट वीडियो में दर्शकों लेट ना करें, फटाफट अपना फोन उठाएं और कमेंट करें जो भी चीज आपको अरविंद जी पारिक से पूछनी है। तैयार है बंटी भाई कमेंटों के जवाब देने के लिए, बिल्कुल तैयार है, वो फटाफट आप दें। और बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, फिर एक नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।